नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपको सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ओनली मोटर स्टॉक की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने महिंद्रा के कैंपर ट्रक के बारे में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे आप इसके ट्रक के बेस मॉडल टॉप मॉडल पे कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके इसको घर ला सकते हैं, और जानेंगे इसके जो लोन अमाउंट बनेगा उसको अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट रेट से इसकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो क्या बनेगी, आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे। पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी बस आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो महिंद्रा बोलेरो कैंपर का बेस मॉडल है उसमें आपको एक शोरूम प्राइस पे करना पड़ रहा है आपको 9,27,000 रुपये, और RTO प्राइस इसका न्यू दिल्ली में 83,430 रुपये, और इंश्योरेंस प्राइस की बात करें तो इसका 64,970 रुपये। तब जाके इसकी जो टोटल पेमेंट बनती है RTO और इंश्योरेंस चार्ज मिला के वो बनती है ऑन रोड प्राइस 10,75,400 रुपये। हम लोग बात करें महिंद्रा बोलेरो कैंपर के टॉप मॉडल के बारे में, जिसके शोरूम प्राइस आपको न्यू दिल्ली में पड़ रही 9,76,000 रुपये, और RTO प्राइस जिसका पड़ रहा है 87,840 रुपये, और इंश्योरेंस का प्राइस है 66,860 रुपये, और तब जाके इसकी जो टोटल ऑन रोड प्राइस बनेगी टोटल प्राइस मिला के वो बनेगी 11,20,700 रुपये। दोस्तों जो महिंद्रा बोलेरो का जो कैंपर है उसकी जो टॉप बेस मॉडल पे आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो 1,08,000 रुपये की मिनिमम डाउन पेमेंट करके इसको आप अपने घर ला सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसका जो लोन अमाउंट है वो जो बनेगा वो बनेगा 9,67,400 रुपये। इसको आप दोस्तों किसी भी बैंक से लोन ले कर पे आउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें महिंद्रा बोलेरो कैंपर के टॉप मॉडल के बारे में तो आपको जिसमें मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी आपको 1,13,000 रुपये की। तब जाके इसके बाद जो आपका लोन अमाउंट निकलेगा वो लोन अमाउंट निकलेगा आपका 10,17,700 रुपये। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर हम लोग जानेंगे इसके टॉप मॉडल के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे आप इसके बेस मॉडल की ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे आपको टॉप मॉडल की ईएमआई कैसे स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस लिंक को अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट करके अपने लोन अमाउंट की ईएमआई बहुत ही आसान स्टेप में कर सकते हैं कैलकुलेट। हम लोग यहाँ पे कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है, इसके ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लिया। इसका जो कार लोन अमाउंट एंटर करने का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है तो हम लोग अपने मॉडल जो टॉप मॉडल का हम लोग यहाँ पे ईएमआई बताने वाले हैं आपको, उसका प्राइस यहाँ पे एंटर कर दे रहे हैं। अपने टॉप मॉडल का जो लोन अमाउंट निकल के आया था वो यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटरेस्ट रेट का, तो यहाँ पे 8% इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो सभी बैंकों का कार लोन इंटरेस्ट होता है वो 8% के नियर अबाउट होता है, और लोन टेनर हम लोग अगले 5 सालों के लिए रखने वाले हैं। तब जाके जो हमारी ईएमआई निकल के आती पर मंथ की वो निकल के आती 20,635 रुपये पर मंथ अगले 5 सालों के लिए, और टोटल इंटरेस्ट बनेगा हमारा इसी के साथ 2,20,417 रुपये। तब जाके हमारी इस ट्रक कैंपर महिंद्रा बोलेरो कैंपर के लिए जो अमाउंट बनेगा लोन अमाउंट के साथ जो टोटल डाउन पेमेंट करने के बाद जो टॉप का अमाउंट बनेगा वो बनेगा 12,38,117 रुपये। दोस्तों ये हमारी बहुत ही मस्त बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर लिंक है, आप इसमें अगर आप नीचे आते हो तो आपको एक ग्राफ देखने को मिल जाता है आपको किस मंथ में कितना रुपये पे करना पड़ेगा और कितना आपका बैलेंस बचेगा, और इसके नीचे आपको एक चार्ट देखने को मिल जाता है अपने प्राइस से रिलेटेड। तो आप हमारे इस ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं।